आखिर 2 दिन डोबरा वैली में रेस्ट करने के बाद हम लोग को नेक्स्ट हम लोग की जो राइड वैली से मैकॉन को मिली, ये राइड बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली थी क्योंकि ड्राइविंग 180 किलोमीटर थी और हम लोग को पहले से भी काफ़ी लोगों ने बताया था कि रास्ते में काफ़ी ग्लेशियर मेल्ट की वजह से रोड्स पे काफ़ी वाटर लॉगिंग है, हम लोग को वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने ग्रुप से पहले निकलेंगे और हम अर्ली निकलेंगे क्योंकि अर्ली स्टार्ट करने से रोड्स पे जो वाटर लेवल होता है नॉर्मली वो कम रहता है। सो वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अर्ली, लेकिन तब भी मॉर्निंग में स्टार्ट होने के बाद ही सड़क पे हम लोग को जगह जगह पॉट होल्स मिले, पानी मिला, शहर किसी तरह से हम लोगों ने मैनेज किया उसमें। एक बार शलम थोड़ा डिसबैलेंस भी हुए, फाइनली वी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट ऑल वाटर क्रॉसिंग सेफली विद कॉशन।
फंस गई थी, फंस गई थी हमारी हैं। आ गए, गुड, चल रुक जा, निकलना है। आओ धीरे धीरे, हम लोग मॉर्निंग में आज करीब 7 बजे निकले थे नूरला वैली से, अपने पूरा कैंप से, और इसलिए जल्दी निकले थे कि क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से रोड पे पानी आ जाता है। और देखिए हम लोग आके श्योक विलेज से लगभग 22 किलोमीटर दूर वो सामने रोड दिख रही है, और ये पूरा वाटर है। और हम लोग बाइक से, हम लोग बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं, हम केवल 5 ही लोग हैं यहाँ पे। सलक की गाड़ी जो है वो फंस गई है, सुशील हेल्प के लिए गए हैं। ये रास्ता ठीक है, शलभ शलभ, ये कह रहे हैं आगे नहीं जा पाओगे, ये कह रहे हैं आगे नहीं जा पाओगे। We have just crossed this water shield क्रॉसिंग, और ये काफ़ी डीप थी क्योंकि मेरे पैर घुटने तक पूरा पानी में डूब गए थे, और गाड़ी इस साइलेंसर के हिमालयन थे, इसका साइलेंसर थोड़ा ऊपर था, बट क्लासिक ये हाल हो गया, गिर गई थी क्लासिक, वो बंद भी हो गया। इसी तरह कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं, पर वो भी बाइकर से स्टार्ट हो जाए, एक गाड़ी तो स्टार्ट हो गई शीशों की, फिर भाई की बाइक गाड़ी कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज़ धूप है, कोई शेड नहीं है, सनस्क्रीन लगाई तेज़ बर्न बचने के लिए, सनबर्न से बचने के लिए। चलो वीडियो है, कौन
हाँ, हम लोग अभी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग में बहुत बुरी तरह फंसे थे और नहीं नहीं हम लोग अभी एक वाटर क्रॉसिंग में बुरी तरह से फंस गए थे शीशे, बल्कि थोड़ा डिसबैलेंस भी हो गए, लेकिन तीन एंजल्स आए जिन्होंने हम लोग को रेस्क्यू किया और वो पानी में कूद पड़े और उन्होंने महादेव सागर रोहन, अरे तीनों भगवान के नाम है भाई तो सही में आप भगवान की तरह आए भाई अरे सागर है तो ये नाला क्या फिर हम लोग एक वाटर क्रॉसिंग पे फंस गए थे और यहाँ पे लैंडस्लाइड था। देखिए उम्मीद करते हैं ये लास्ट टफ राइड का ये टफेस्ट पार्ट होगा, एंड टफेस्ट तो नहीं कह सकते, लास्ट पार्ट होगा, टफेस्ट तो पीछे हम लोग छोड़ आए हैं। ये शायद लैंडस्लाइड हुआ है जिसको इन्होंने क्लियर किया है, बट अभी भी बहुत रफ है और यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो गए थे, बट समाउ किसी ऑल आर से अभी ये हम लोगों को वहाँ तक जाना है। एक और छोटी सी क्रॉसिंग पड़ी थी और अब यहाँ से शौक विलेज 2 किलोमीटर्स है, मैं थोड़ा आगे निकल आया था, हरीज अब आ रही, शायद किसी वजह से लोग रुक गए होंगे। हम लोग टांगसी से पेनोंग के बीच में हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है, ग्रास लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं और स्काई भी एकदम क्लियर डिफरेंट ब्लू है, सामने लॉम्पी पे हैं बाकी लोग आगे। गर्म ही तो कर रहे हैं, चलो। ये पैंगोंग लेक है, इसके पैरेलल हम लोग चल रहे थे और ये देखिए वाटर क्रॉसिंग जिसको अभी हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया है। शिशिर अभी भी पीछे हैं, शिशिर को हम लोगों ने मना किया है। हाँ, टफेस्ट राइड इसको हम लोग कह सकते हैं क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा था और ये पानी देखिए कैसे जा रहा है नीचे, देखो ये पानी कैसे जा रहा है, तो अगर ज़रा सा भी डिसबैलेंस है तो बाइक के साथ आदमी स्लिप होकर नीचे जा सकता है। ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंजरी हो जाएगी, इसलिए हम लोग अभी रुक गए हैं, शिशिर को हम लोगों ने मना कर दिया है क्योंकि शलभ आगे निकल गए थे, तो इसलिए शलभ को अभी फॉलो करने के लिए शलभ आगे चले गए थे, तो इसलिए शलभ को देखने के लिए अभी शिशिर हरी गए हैं, पहले क्लियर हो जाएगी हमें जाना कहाँ है क्योंकि हम लोग कोई ये डेस्टिनेशन अगर क्लियर हो जाए तो हम इसको रिस्क को लें, अदरवाइज सर हमें यहाँ से वापस भी जाना पड़ सकता है।
पैंगोंग का सफ़र बहुत ही एडवेंचरस था। जो मॉर्निंग में वी स्टार्टेड अराउंड 7:30 वी प्लान फॉर टू एग्जिट अराउंड 6:30 बट समाउ निकलते निकलते 7:30 हो गया था। और शुरू में हम लोग बहुत अच्छे आए क्योंकि छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग्स थी, आराम से मैनेज हो गया था। लेकिन उसके बाद एक जगह लैंडस्लाइड की वजह से पानी वेस्ट तक था। किसी तरह से हम लोगों ने बाइक निकाली और उसमें दो बाइक्स हिमालयन तो हम लोगों ने मैनेज कर ली थी बट क्लासिक लॉम्पी भैया की और शिशर की फंस गई थी। तो उसको तुम लोगों को एटलीस्ट 45 मिनट्स लगे फिर से स्टार्ट करने में। अच्छी बात ये रही कि वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर हम लोगों ने ट्रैवल किया और रास्ते में छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग थी वो सब ईजी करते हुए अभी पैंगोंग जब लेक फर्स्ट व्यू के बाद करीब 6-7 किलोमीटर्स है जहाँ हम लोग का रिजॉर्ट, जहाँ पे हम लोग का कैंप साइट है। ये हमारा कैंप साइट है, अच्छा है।